हे मुझे बंदूकें चाहिए। रोकड़ा लाया है? लाया हूँ। देखा वो कैसा पैसा ले रहा है और वो कैसे बंदूकें दे रहा है। चलो अब मेरे पीछे, हमें अब उनके घर में चोरी करना होगा। दोपहर को कोई नहीं होता, चलो। अरे इसमें पैसे तो नहीं ना कुछ है, चलो खोल के देखते। पैक है। हाँ ये क्या है? ये क्या है? ये तो नशीली दवाई है। कौन सी? गांजा है, गांजा। ये यहाँ कैसे आया? ओ भाई लगता है ये सारा गांजा का पूरा बॉक्स है। चलो इसे उठा के ले जाते हैं और घर पे कुछ भी हो छानबीन मारते हैं। चलो स्टॉप। हाँ पैसों का बंडल मिला हमें, देखो पैसों का बंडल और पिस्तौल। ये देखो पिस्तौल कितने अच्छे, देखो लगता है इसमें गोलियां भी है। देखो भाई देखो, अब ये हमें बाजार में बेच डालते हैं बंदूकें, पैसे हमारे पास और ये गांजा। हम माला माल हो गए दोस्त, हम माला माल हो गए। हम अपने घर आ गए, ये हमारे घर में। चलो उधर दोस्त, देख दोस्त। देखो कितने गांजे, दो तीन, देख ये चार और ये पांच, बस इतने चे। अब हम इसे बेच डालेंगे कल सुबह, तो हमें पांच पांच क्या 10,000 तो आई देंगे। मतलब इस बंदूक के कितने मिलेंगे क्या पता? देखो बंदूक चेक कर दे, इस बंदूक के हम बंगार वाले के पास चलते। चलो अभी चलते, हे भंगार वाली तुझे एक बात पूछनी थी। तू इधर आ, तू इधर आ, हाँ बैठ। हे भंगार वाली ये माल लेगा क्या? क्या क्या माल है? देख लो कोई है तो नहीं, ये नशीली दवाइयां और ये बंदूकें। हे सब तुम्हारे पास कैसे क्या आया? हे सब तुम्हारे पास कैसे क्या आया? ओ भाई वो सब छोड़ दो, पहले बताओ कि इसका क्या दोगे? मैं इसका कुछ नहीं दे सकता। क्यों, कितने का है? 50,000 का, मेरे पास उतने पैसे नहीं। हमारे सेठ जी के पास चलो, तुम्हें कितना देना है कितना नहीं वो तुमको बता देंगे। दुगना दाम देंगे क्या? हाँ चलो फिर इसके सेठ जी के पास में जाते। काम की बात बता नहीं, ठीक है जाओ। नमस्ते सेठ, काम की बात करो। लेके आओ उनको। ओ भाई सेठ जी इसमें बड़ा सा माल है, देखो अच्छी क्वालिटी का माल है। सर बोलिए सेठ जी कितना देंगे इसका? 1,00,000 दूंगा। ये लीजिए सेठ जी आपका माल, 1,00,000 दो, उन्होंने हमें फंसाया, अब हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हमें स्टार कोटरी में डाल दिया। वो देखो वो खिड़की दिख रही है, वास्ते चलो।
मालूम नहीं था कि हीरा भाई इतना प्रॉब्लम लेगा। मतलब तुम हमारी मदद करना चाहते हो? हाँ। ओ भाई शुक्रिया, पर ये तुम्हारा अड्डा है? हाँ। तुम हीरा भाई के पास जाओ ना। हाँ। और वो तुमको काम बतलाएगा। काम बताएगा? हाँ। फिर उसका काम कर लेना तुमने। हाँ। और तुम्हारा सामान वापिस दे देंगे। वो दे देगा? हाँ। ठीक है चलो, उसके पास एक बार उसके लिए कुछ चोरी करके आते हैं, मतलब वो खुश हो जाएगा। चलो चलो, मैं भागते हुए लेके चलो। चलो मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। हीरा भाई हमसे गलती होगी, देखिए हमें हमें लगता है कि हम आपके लिए कुछ काम करें। कि वो है वापिस जी, वो सब जाने दीजिए, पर हमें लगता है कि हम आपके लिए कुछ काम करें। मुझे बता तूने चोरी कहाँ से की है, उस बंगले का नाम बता। ठीक है, हम समीर के घर से चोरी की थी। वो आपका एक आदमी आया था क्या, रोनाल्ड? हाँ हाँ, तो जो उसने काला माल था धंधा करता है, वो उसी के घर से चोरी की। वहाँ सोने की तलवार है, तुम उसके उसको लेकर आओ, मैं तो तुमको माल दूंगा। हम आपको आप हमें एक दिन का मौका दीजिए, हम लाख के देंगे। चलो। अरे वो देखो, वो रही सनी की तलवार। वो देख भाई कितनी चमक रही है सोने की तलवार, देख। तुम्हें पता है उसने हमारा माल लेके हमें फंसाया था, तो हम भी वैसे ही करेंगे, उसे नकली तलवार दे देंगे और असली हमारे पास रखेंगे। सेठ जी देखिए, मैं आपके लिए तलवार ले आया। सेठ जी ये तलवार दीजिए। दूसरे करना है ऐसी सेफ्टी के लिए बता। 1 करोड़ की? 1 करोड़ की तलवार? ठीक है जाने दे, हमारा माल दे। धन्यवाद सेठ जी, आपका हुकुम सर। आप ये माल तो नकली है, जाओ लाओ। ठीक है सेठ जी, और वो मुझे मुन्ना भाई के यहाँ पे दे दो। जाओ ये मार डालो। दोस्त ये देखो, हमने उसको वो चोरी करके लाई थी, चोरी के तलवार बोली थी उसने, और बदले में उसने हमारा सामान हमको वापस दे दिया। हम तुम्हारे अड्डे में रखना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद। चलो अब चलो, मतलब देखो हमने उसको नकली तलवार दी है, लगता है उसको पता चल जाएगा, इसलिए हम जरा एक दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। चलो हीरा भाई को देखकर भाग गए, क्यों ना मैं उनका माल लेके भाग लूं। चलो मुन्ना भाई लगता है हमारा सामान लेके भाग गया। हाँ। वो भी फ्रॉड निकला साला। चलो चलो, ए सालो तुमने हमें नकली माल कर फंसा दिया। ए साले तूने हमको नकली माल बेचकर फंसा दिया। बस या सामान तो फूट गया, मतलब यही होता है लालच हमारा। तुम चोरी की, इसने बुरा काम किया, हमने बुरा काम किया, लालच का फल फट गया है, इसलिए हमको दोस्त बनकर मेहनत का काम करना होगा और अच्छी जिंदगी जीनी होगी। चलो वादा करो।